देर की झमाझम बारिश से जाम पड़ी नालियों का पानी सड़कों पर आ गया। ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बारिश से किसानों के चेहरे चमक गए। बोनी के बाद आई बारिश ने खेतों को ऑक्सीजन दे दी। बारिश और तेज हवा से कस्तूरबा नगर स्थित सहकारी कॉलोनी टेलीफोन नगर के पास एक पेड़ भरभरा कर गिर गया, जिससे रास्ता जाम रहा। पेड़ गिरते ही शॉर्ट सर्किट के बाद विद्युत केबल भी टूटकर नीचे गिर गई और विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। सूचना मिलते ही विद्युत कर्मी मौके पर पहुंचे और विद्युत प्रदाय शुरू किया। निगम अमला मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे टूटे पेड़ सड़क पर पड़े रहे। पेड़ गिरने से कार भी क्षतिग्रस्त होने से बच गई। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया। मेरा दिलीप पांचा। पेड़ गिरा है, कैसे गिरा है, क्या कारण रहा? अभी बहुत तेज हवा आई थी, बारिश के कारण ये गिर गया है और यातायात बाधित हो रहा है अभी यहाँ पे। और अभी कब से सूचना दे दी, लेकिन ऐसा कैसा रखा है अभी। यहाँ पे एमपीबी वगैरह एमपीबी वाले आए थे, लाइट चालू करके गए, बाकी पेड़ ऐसा कैसा रखा है। शादी के डेढ़ साल बाद ही एक नवविवाहिता ने जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली। खबर के मुताबिक बोरखेड़ा निवासी ओंकार डाबर से संगीता का विवाह हुआ था। मृतिका ने जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली है। पाइजन पीने का कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन पारिवारिक विवाद होना माना जा रहा है। रविवार सुबह पुलिस के साथ परिजन शव लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम किया गया। मृतिका संगीता के भाई किशन ने बताया। नाम बताओ। किशन। क्या हुआ महिला को? इसको दवाई पी गई थी। क्या कारण रहा? कुछ कुछ पता नहीं है सर। क्या नाम है, कहाँ रहती है? ये हर्षोला इसका पियर है और बोरखेड़ा इसका शादी हुई थी। और इनका पता नहीं, इसका झगड़ा हुआ था या पता नहीं आपको। मतलब देर खाली, इसने मालूम नहीं। देर खाली कैसे खाए, कैसे अब कैसे खा ले, कैसे नहीं पता नहीं है। हम थोड़ा लेट करते हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पॉइजन खाया है। क्या बात है, अभी स्पष्ट कारण नहीं है। जांच पीएम कराएंगे, जांच अपने जांच के बाद पता चलेगा। तो कहाँ की महिला है ये? महिला वहाँ की है, अपने बोरखेड़ा की। संगीता पति अपने उकार, संगीता पति उकार डामर, उम्र 35 साल, निवासी बोरखेड़ा। तीसरी आंख सीसीटीवी की मदद से जावरा पुलिस ने शहर से चोरी हुए ट्रक को 4 दिन में बरामद कर लिया है। पुलिस ने ट्रक चुराने वाले 5 में से 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। फरार हुए एक आरोपी की तलाश जारी है। पकड़े गए आरोपियों में पिता पुत्र भी शामिल हैं। खबर के मुताबिक जावरा शहर के हॉस्पिटल रोड स्थित चौहान ट्रांसपोर्ट के सामने से 21 जून की रात को ट्रक क्रमांक RJ12GA1348 चोरी हो गया था। ट्रक चोरी की रिपोर्ट जावरा शहर थाने में दर्ज हुई थी। पुलिस ट्रक चोरों की तलाश में लगी हुई थी। जावरा शहर के चारों ओर जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने पेट्रोल पंप एवं टोल नाकों पर सीसीटीवी फुटेज चेक की एवं साइबर सेल की मदद की गई। चोरों द्वारा ट्रक को नागदा उन्हेल होते हुए इंदौर की तरफ जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने अपना जाल बिछाकर अपराधियों को ट्रक सहित इंदौर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि वह ट्रक इंदौर में 1,80,000 में बेचने वाले थे, जबकि उक्त ट्रक की कीमत 13 लाख रुपए बताई गई है। आरोपियों में सोहेल पिता कमरुद्दीन उर्फ कल्लू मुल्तानी को एवं उसके 2 अन्य परिचित वसीम उर्फ वासल पिता असलम खां पठान को गिरफ्तार कर पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। मामले का खुलासा करते हुए SP गौरव तिवारी ने बताया। आपका कहना बिल्कुल सही है। पिछले दिनों जो जिस तरह की घटना घटित हुई थी जावरा सिटी में, 21 जून को एक शहर के बीच से एक ट्रक चोरी चला गया था, जो हम लोग के लिए बहुत ही चिंता का विषय था कि आखिर ट्रक सिटी के बीच से निकल कहाँ गया और कौन लोग हैं और कहाँ बेचा इसको, इसी पता लगा पाना हम लोग के लिए जरूर एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से सूझबूझ से यहाँ पर थाना प्रभारी जावरा सिटी और उनकी पूरी टीम ने कार्य किया है, वो काबिले तारीफ है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एडिशनल SP सुनील पाटीदार साहब, SDOP रविंद्र और थाना प्रभारी विडी जोशी, इन्होंने बहुत ही सूझबूझ और तत्परता से कार्रवाई किया। इन्होंने एक टीम बनाकर कार्य किया, जिसके कारण जिसका ही नतीजा है कि
पाँच दिन के अंदर ही न सिर्फ पूरे गैंग के लोग गिरफ्तार हुए बल्कि ट्रक जो चोरी गया था वो भी जब्त हुआ है। इसे बताना चाहूँगा कि ये घटना दिनांक 20 और 21 जून की रात की है, दरमियानी रात की है, जब ये फरियादी अमजद पिता सलीम मेव जिन्होंने अपना ट्रक जेल रोड जावरा ने चौहान ट्रांसपोर्ट के पास खड़ी कर रखी थी सिविल हॉस्पिटल के सामने, वहाँ से रात में गायब हो गया था और उसके बाद इन्होंने सूचना थाने पर दी 21 तारीख को दिन में। थाना प्रभारी ने बहुत ही गंभीरता से लिया, उन्होंने टीम को एक्टिवेट किया और इन्होंने सारे CCTV कैमरे फुटेज टोल नाके आदि खंगालने शुरू किए कि ट्रक किस रूट से गया है। इसमें इनकी तत्परता का ही नतीजा था कि हम लोगों ने ये ट्रैक करने में सफल हो गए थे कि ये ट्रक जो है ये यहाँ से जाने के बाद ताल खारवा कला महितपुर होते हुए निकला है। ये विभिन्न CCTV कैमरों में उसको ट्रैक किया गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने विभिन्न पेट्रोल पंप आदि पर जानकारी निकालना शुरू की कि हमें पेट्रोल डीजल भराया है इन्होंने, तो उसकी भी जानकारी मिल गई, जिसमें CCTV फुटेज में कुछ संदिग्ध लोगों की जानकारी भी आ गई। जावड़ा सिटी के भी बहुत सारे कैमरे खंगाले गए, उसमें भी कुछ लोग हमें संदिग्ध दिखे। उसके बाद इसमें साइबर सेल की मदद ली गई, साइबर सेल ने भी इसमें साइबर से PSTN CDR आदि को लिफ्ट किया और वहाँ से हम लोग कुछ संदिग्ध नंबर्स प्राप्त हुए थे जिसको जो रात में एक्टिव थे उसको फिर जब इन लोगों ने डेवलप किया तो उसके बेसिस पर हम लोग इस गैंग तक पहुँचे हैं। इसे बताना चाहूँगा कि जो चार आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इसमें मुख्यतः कमरुद्दीन उर्फ कमरू मुल्तानी निवासी बातखेड़ी और उसका बेटा सुहेल पिता कमरुद्दीन जो बातखेड़ी के रहने वाले हैं, ये मेन मास्टरमाइंड है जिन्होंने इसका पूरा रैकी किया और ये ट्रक चोरी करना है ये इन्होंने डिसाइड किया। इन्होंने ही इंदौर का व्यक्ति जो रफीक उर्फ रफा भाई चंदन नगर का रहने वाला है उससे डील की थी कि चोरी का ट्रक का इनका सौदा 1,80,000 रुपये का हुआ था और ट्रक चोरी करने के पहले ही लगभग ये 30,000 रुपये ये प्राप्त कर चुके थे। इसके बाद इन लोगों ने दो अन्य व्यक्ति वसीम और फरीद, वसीम उर्फ वासल पिता आलम खान जो कि मूलतः ताल का रहने वाला है और फरीद उर्फ छोटू पिता सिद्दीक मंसूरी जो जमालपुरा तोड़ी महितपुर सिटी का रहने वाला है, इन लोगों के माध्यम से ट्रक चोरी करवाया और इसको इंदौर तक पहुंचवाया। तो ट्रक चोरी करने के पीछे के जो रैकी आदि चीज़ें थी वो मूलतः कमरुद्दीन और सुहेल ने मिलकर की और इसके बाद उस ट्रक को यहाँ से चोरी करके इंदौर तक पहुँचाने का कार्य जो है वसीम और फरीद ने किया है। इसमें एक व्यक्ति रफीक उर्फ रफा भाई जो कि चंदन नगर इंदौर का रहने वाला है जिसने ट्रक खरीदा है वो जरूर अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने इस ट्रक को इंदौर से जब्त भी कर लिया है, पुलिस ले आई है, रफीक की तलाश लगातार जारी है और इसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया मैंने, तो इसमें जो भी इसकी जानकारी देगा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा ताकि इसकी जल्द गिरफ्तारी की जा सके। यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जो चार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं ये सभी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इसमें सभी के ऊपर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जो मेन मास्टरमाइंड है कमरुद्दीन है इसके ऊपर लगभग 13 मामले पंजीबद्ध हैं, अधिकतर मामले इसमें गौवंश की तस्करी को लेकर है, साथ ही साथ मारपीट के मामले हैं, आमसेट के मामले हैं। दूसरे नंबर पर वसीम उर्फ वासर जो ताल का रहने वाला है इसके ऊपर भी एक दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं जो अधिकतर 307 मारपीट गौवंश की तस्करी वाले मामले हैं। इसके अलावा सुहेल के ऊपर 2 प्रकरण पंजीबद्ध है मारपीट के, फरीद के ऊपर लूट का प्रकरण पंजीबद्ध है। तो देखा जाए तो ये सभी गंभीर अपराध के अपराधी हैं, इनको गिरफ्तार करके आज हम लोग इनको मानने न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे जहाँ से पुलिस रिमांड लेकर इनसे और पूछताछ की जाएगी। हमें ऐसा उम्मीद है कि जिस तरह प्रोफेशनल ढंग से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पूर्व में भी ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया होगा, चाहे वो गाड़ी की चोरी को लेकर हो या अन्य घटनाओं को लेकर हो, उस संबंध में इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। अभी तक की जानकारी में हमें ये जानकारी लगा है कि न सिर्फ रतलाम जिले में बल्कि इनके खिलाफ मामले बड़वानी राजस्थान में भी पंजीबद्ध हैं, वहाँ की पुलिस को भी बताया जाएगा ताकि वो उनके खिलाफ उनको अगर वॉन्टेड हो तो उनके खिलाफ और कार्रवाई की जा सके। रोटरी क्लब रतलाम ने आयोजित एक समारोह में खेल प्रतिभा का सम्मान किया। क्लब ने उत्कृष्ट खेल से रतलाम का नाम प्रदेश और देश में गौरवान्वित करने के लिए एडवोकेट राकेश शर्मा की बेटी कृतज्ञा शर्मा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सन 2021 में भोपाल में आयोजित जूनियर अंडर 20 वुमेन्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर पादा दौड़ में गोल्ड मेडल एवं लॉन्ग जम्प में सिल्वर मेडल। सन 2018 में दिल्ली में आयोजित 64 जूनियर शालेय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर पादा दौड़ में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। सन 2019 में संगरूर पंजाब में आयोजित 65 जूनियर शालेय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए 100 मीटर पादा दौड़ में एवं लॉन्ग जंप में सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सन 2021 में भोपाल में आयोजित जूनियर वुमेन्स अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर पादा दौड़ में 5वां स्थान प्राप्त किया। सन 2021 में ही रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित
100 मीटर पाथा दौड़ में सिल्वर मेडल जीता। हम आपको पुरस्कृत करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं।